यदि घर में आपके साथ में बड़े बूढ़े रह रहे हैं, आपके सास ससुर रह रहे हैं, तो उनका पूरा सपोर्ट है आपको। हम लोग भी ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, मेरे भी घर परिवार में दादू सा, दादी सा, काकी सा थे मेरे दो दो, मेरी मम्मी, मतलब हम बड़ा 12-13 जनों का बड़ा परिवार था। हम इतने हंसी खुशी से सब मिलजुल के जो काम काज की बातें हैं, तो ये उठती है क्यों आंखें? आज के जमाने में पहले तो नहीं होता था। बड़े बूढ़े कभी भी गलत बात नहीं कहते हैं। पुरानी परंपराएं तो अब चली गई, हमारे मम्मी वगैरह और सब तो इतना दादोसा से जैसे घूंघट निकालते थे, तो अब वो परंपरा भी नहीं रही। तो जिस तरह से मेरे घर में हम तीनों पीढ़ियां आपस में तालमेल बिठा के चल रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पे और मेरे घर में भी और साथ ही साथ मेरे किचन में भी। फ्रेंड्स, मुझे बचपन से क्या क्रिकेट का बहुत शौक था, क्योंकि घर में माहौल ऐसा रहता था, मेरे काकोसा, मेरे भाई, हम सब जने बैठ के, और पहले तो कमेंट्री सुनते थे रेडियो पे, ट्रांजिस्टर पे। पहले वो जमाना भी हमने देखा कि कमेंट्री सुनते थे, कान ऐसे लगा के और बैठ जाते थे सब, और जैसे ही चौके छक्के लगते, कोई आउट होता था, सब उछलते थे। स्पेशली ये बता रही हूँ, इंडिया के सपोर्ट में उछलते थे। तो फिर क्या होता है कि जैसे मैच, जैसे जैसे टीवी आया, तो फिर टीवी में देखने लगे तो और भी इंटरेस्ट जागृत हो गया, तो बैठ जाते थे मूंगफलियां लेके छिलके वाली और खाते खाते मैच देखते थे। बड़ा ही मजा आता था, सब चर्चा करते थे, कोई आउट हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो इसी तरह से चर्चा होती थी और इंटरेस्ट के साथ सभी लोग मैच देखते थे। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अभी भी है। फिर क्या है कि घर गृहस्थी के थोड़े बहुत काम हो जाते हैं, कई बार मिस भी हो जाता है, भूल भी जाती हूँ मैं, और अच्छा फिर कोई बोलता है अरे मैच था, मैंने तो देखा ही नहीं। लेकिन जब ये चल रहा है T20, तो अब मेरे को थोड़ा सा उत्साह जागृत हुआ मेरा। थोड़े दिन तो मैं भूल ही गई, दीपावली आ गई, उसके काम काज में और कुछ कुछ मेरा दिमाग से ही निकल गया। फिर थोड़ी थकान हो गई, तो मतलब पता ही नहीं चला मैच हो गए आगे के तो सारे। फिर मैं कहा नहीं नहीं अब एक उससे पहले वाला देखा, फिर कल सेमीफाइनल था, तो बहुत ही उत्साह के साथ फटाफट काम वाम खत्म करके मैंने कहा चलो आज तो भाई मैच देखेंगे हम इंडिया का और इंडिया को जिताएंगे। तो भाई बैठे मैच देखने, सारा उत्साह खत्म हो गया कि इंडिया के मैच की तो ऐसी तैसी हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, तो सारा उत्साह वहीं खत्म हो गया। नहीं तो सोचा था फाइनल में पहुंचेंगे, क्योंकि आगे पाकिस्तान है, फाइनल में पहुंचा हुआ न्यूजीलैंड को हरा के। जहां तक पाकिस्तान की बात आती है, और कंट्री के साथ तो होता ही एक्साइटमेंट भी रहता है सभी के साथ, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात आती है, इंडिया और पाकिस्तान का यदि फाइनल मैच हो रहा है, वैसे नॉर्मली भी कोई मैच होता है तो भी होता है इतना उत्साह, तो फाइनल में यदि T20 में पहुंचे हैं तो एक उत्साह का होली अलग ही होता है। मतलब इतने ढोल नगाड़े शोर शराबा किसी भी मैच में आपको नहीं मिलेगा, और स्टेडियम देखेंगे तो खचा खच भरा हुआ, तो वो एक अलग ही आनंद होता है, देखने का मजा आता है। तो हमने सोचा वो देखेंगे, लेकिन अब वो मजा तो खत्म हो चुका है, क्योंकि इंडिया तो बाहर हो गया है, तो अब होगा फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में संडे को। तो ठीक है, फिर देखेंगे जरूर, लेकिन एक अपनी टीम होती है अपनी इंडिया की, तो उत्साह अलग होता है, चीयर करने का मजा ही अलग होता है। चलो ठीक है, अब इन सभी खेल के टॉपिक को छोड़ के आ जाती हूँ घर गृहस्थी की बातों में। तो अभी काम तो मैं कर ही रही हूँ ऑलरेडी, सब कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है, तो सुबह का काम माहौल है और काम चल रहा है। तो ये जैसे मसाले वगैरह, ये मैंने मिर्ची काट कर रखी, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे घर में मिर्ची सभी को पसंद है, स्पेशली अर्जुन के पापा को मेथी वाली, बेसन वाली, हर तरह की बनाती हूँ मैं, अचार भी बनाती हूँ। तो मैं ये बनाऊंगी सूखी मेथी, ये जो होती है ड्राई, उसको मैंने बॉइल करके और अच्छे से पानी से धो के रख दिया है, तो ये मेथी डाल के बनाऊंगी। और साथ में हरी मेथी भी रखी, ये जो ड्राई मेथी और फ्रेश भी है, और ये मोगर यानी मूंग की दाल भूली हुई, इसको भी गुनगुने पानी में मैंने भिगो दिया, तो 1-2 घंटे से भीग रही है। तो ये दोनों मोगर मेथी की सब्जी बनाऊंगी, यहाँ पे बोलते हैं हमारे यहाँ राजस्थानी में मोगर मेथी और साग, तो मोगर मेथी और मिक्स करके ग्रीन वाली मेथी, बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने रखी, जैसे मैंने आपको बताया अदरक लहसुन की पेस्ट बना के आप रख लेंगे तो समय की बचत हो जाती है। बाजार से जो हम पेस्ट लाते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता है, खाली उसके अंदर गार्लिक कम और जिंजर का बहुत टेस्ट आता है, विनेगर डालने से क्या है कि उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो जैसे आप अदरक थोड़ा कम डालें, लहसुन ज्यादा यानी गार्लिक ज्यादा, थोड़ा सा नमक डालें, आप चाहे तो थोड़ा 1 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं, पेस्ट बना के रख लें, खराब नहीं होगा, सप्ताह भर में फ्रिज में रख लेंगे। तो कोई जॉब कर रहा है सुबह फटाफट सब्जियां बनानी है तो बहुत इजी हो जाता है। और जैसे आप संडे है तो सब्जियां लेके आ जाएं, जैसे पालक साफ करके रख लिया, मेथी रख ली, सबको अच्छे से धो के भी रख सकते हैं सुखा के, नहीं तो ऐसे ही साफ करके बैग में डाल के रख दें, तो जब भी आपको बनाना होगा फटाफट से बहुत सुविधा रहेगी आपको बनाने में भी। आलू का मसाला बना के रख दिया, थोड़ी बहुत जैसे ये मेथी वाली मिर्ची
मिर्ची है या कई तरह की चटनी, तो आपको बहुत सुविधा होगी लंच बॉक्स में, फटाफट से मेथी मिर्ची डाल ली, आलू का परांठा डाल लिया, कभी कुछ इस तरह से आप फटाफट से सब्जी भी बनाएंगे तो पेस्ट बनी है रेडी है फटाक से डाल ली, बाजार से भी नहीं लानी है। छुट्टी के दिन आप टीवी देखते देखते जैसे मैच में चाय पीते समय गार्लिक छोड़ लेती हूँ यानी लहसुन छील देती हूँ, या टीवी देखती हूँ तब लेके बैठ जाती हूँ बाउल में और छील देती हूँ, तो इस तरह से समय की भी बचत होगी, हम कोई काम भी हमारा डबल हो जाता है, 2-in-1 हो जाता है, टीवी भी देख रहे हैं लहसुन भी छील लिया। तो फ्रेंड्स आज मैं एक टॉपिक पे चर्चा करना चाहूंगी, बहुत लोगों के कमेंट भी आते हैं, सवाल पूछते हैं वो इस बारे में, तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी किसी सहारे को एक एक बात का जवाब देना मुश्किल होता है कि सबको बैठ के रिप्लाई किया जाए, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी की बातों का जवाब भी दे दूंगी, हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक पे और काम भी होता रहेगा, दोनों काम हो जाएंगे, मेरा काम भी हो जाएगा और बीच बीच में इस पे हम बात भी कर लेंगे इस टॉपिक पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, काम भी होता रहेगा और मैं आपको बताऊंगी मैं किस पे चर्चा कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए, आलू को पहले धो ले, मिट्टी वगैरह लगी होती है तो मैंने पानी में डाल दिया, अब इसको ढक देंगे, क्योंकि आलू में बॉईल करके रखने से क्या होता है इजी हो जाता है और इनके छिलके नहीं उतारते, बस छिलकों के साथ ही जिनको निकाल के पानी में से बॉईल होने के बाद और फ्रिज में रख देंगे, कभी आपको सब्जी बनानी है बॉईल आलू की फटाफट से सब्जी बन जाती है, कभी मसाला बनाना है, सैंडविच बनाना है, पराठा, तो हर तरह से इसका उपयोग हो जाता है, तो आलू को मैं स्पेशली बॉईल करके ही रख देती हूँ, फिर पानी में से निकाल के रख देंगे और फटाफट साथ में मैं यहाँ पे जैसा मैंने बताया था मेथी वाली मिर्ची बनाऊंगी, तो चलिए फिर बनाना शुरू कर देते हैं। वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे, कोई भी मिर्ची बनानी हो उसकी रेसिपी, सभी तरह की मिर्ची की हमेशा मैं बार बार बोलती हूँ सबकी रेसिपी उपलब्ध है। तो चलिए फिर तड़का डाल देते हैं हमारी मिर्ची के लिए, तो कलौंजी डाल दूंगी मैं इसके अंदर, साथ ही साथ इसमें डालूंगी जीरा, थोड़ी राई भी डाल देंगे और साथ में डालूंगी मैं हींग, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है हींग का इसमें, और मैं डाल दूंगी मिर्ची, आप चाहें तो इसके अंदर सौंफ भी डाल सकते हैं। तो हमारी मिर्ची थोड़ी फ्राई हो गई है तो इसमें डाल देंगे ये जो हमने मिर्ची को बॉईल करके रखा है और 2-3 पानी से धो लिया ताकि इसका कड़वापन निकल जाता है, और यही ऐसे बॉयल मेथी अगर ज़्यादा है और बच गई है तो इसके आप पापड़ मेथी की सब्जी बना सकते हैं, मेथी और पापड़, तो वो भी मेरे वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, हमारी राजस्थानी सब्जी है पापड़ मेथी की, बहुत ही टेस्टी लगती है वो भी, तो वो बना सकते हैं आप, थोड़ी ज़्यादा उबाल लें यदि आपको पापड़ मेथी की सब्जी बनानी है तो एक बार में ही मेथी बॉयल हो जाएगी, थोड़ी इसमें डाल दें मिर्ची में, थोड़ी पापड़ के साथ सब्जी भी बना सकते हैं, तो दो काम हो जाएंगे। मिर्ची तो हमारी बनी रही है, साथ ही साथ सवाल उठता है कि मैंने आपको बताया था, कई लोग मेरे को कहते हैं आंटी आप सब इतना कैसे मैनेज कर लेते हो, इतना काम कर लेते हो, तो इस वजह से कर लेती हूँ क्योंकि मुझे शौक है, मेरा पैशन है ये कुकिंग के प्रति ही नहीं, सारे जो घर के काम होते हैं मतलब और भी कई तरह के होते हैं तो उन सब के प्रति मेरे को बहुत ही रुचि है, जैसे पेड़ पौधों का है और भी साफ सफाई है, मतलब हर चीज़ का मेरे को शौक है, और शुरू अभी नहीं है ये, कॉलेज टाइम से बचपन से थोड़ा थोड़ा करते करते हम सीखे हैं, फिर ससुराल में आए तो अपने ऊपर थोड़ा जिम्मेदारी आई तो उस हिसाब से, और खुशी खुशी उस काम को मतलब मैं अच्छा महसूस करती हूँ, खुश होके करती हूँ सब, ये नहीं है कि मैं काम को बहुत समझ के करती हूँ कि नहीं नहीं अरे ये काम तो मेरे को करना ही है, ऐसा नहीं है, मैं खुशी से करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बात करते करते मिर्ची भी रेडी होगी, थोड़ा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया था, नमक डाल दिया और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर खटाई के लिए इसमें अमचूर पाउडर डाल दूंगी, और साथ ही साथ आप चाहें तो इसके अंदर नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और बिल्कुल आंच को बंद करके करीब फिर डालें नींबू, नहीं तो क्या कड़वाहट आ जाती थोड़ी, और अब आप देख सकते हैं मेरी मिर्ची बात करते करते फटाफट से रेडी हो गई, तो बस इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। ये तो हुई मेरी बात कि मैं काम कैसे करती हूँ या किस तरीके से मुझे काम बोझ नहीं लगता, मुझे मजा आता है काम करने में, बड़े बूढ़ों की सेवा करने में, तो ये मेरी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लड़कियां होती है उनको लगता है कि काम एक बोझ है, निपटाने के तरीके से करती है, तो दो बातें आप मेरी अब सीख ले लीजिए कि आपको काम करना है अच्छे तरीके से, तो एक तो उसे बोझ कभी मत समझे कि हमें ये काम निपटाना है बस ये बोझ है, आप उसको हंसी खुशी से करेंगे तो और भी उत्साह दुगना हो जाएगा, और जो आपको इजीली लगता है वो काम उस तरीके से करिए और अच्छे से करिए, उसको निपटाने के अंदाज में कभी ना करें कि भाई ये बोझ है, बड़े बूढ़ों की सेवा भी कीजिए, तो आप जब वो सच्चे दिल से आशीर्वाद देंगे तो आपको लगेगा, और जो घर का काम होता है ना जब हम अपने हाथ से करते हैं सभी घर के सदस्यों के लिए करते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो काम काज की बातें हैं तो ये उठती है क्यों है आखिर,
आज के जमाने में पहले तो नहीं होता था, सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, मिलजुल के भी काम करते थे, तो फर्क आ गया है थोड़ा, जमाने का फर्क है कि भाई पहले तो लेडीज घर में ही रहती थी, सब मिलजुल के काम कर लेते थे, चाची नानी दादी सब, मतलब घर में बड़ी मम्मी है काकी सा है तो सब मिलके काम कर लेंगे और सभी का काम हो जाता था। अब क्या होता है कि अब छोटे परिवार हो गए लेकिन फिर भी काम की प्रॉब्लम लगती कि सदस्य तो बहुत, मेंबर तो बहुत कम है, तो उसका कारण क्या है, जैसे कि ज्वाइंट फैमिली होती थी पहले लेडीज बाहर काम नहीं करती थी, अब फर्क आ गया है कि लड़कियां बाहर निकल के जॉब करती हैं, तो थोड़ा सा माहौल वैसा है, तो उस हिसाब से अपना काम कर ले, जैसे मैंने बताया आपने थोड़ा संडे के दिन मैनेज कर लिया, वो कर लिया। और जब वो बाहर जा रही है तो सबसे बड़ा सपोर्ट किसका है, यदि घर में आपके साथ में बड़े बूढ़े रह रहे हैं, आपके सास ससुर रह रहे हैं, तो उनका पूरा सपोर्ट है आपको कि आप घर खुला छोड़ के जाएंगे, आप बच्चों को भी छोड़ के जा सकते हैं, बच्चे स्कूल से आए उनको खाना खिला देंगे, आपके पीछे का भी काम निपटा देंगे, मतलब आप इतने आराम से रहते ना, आपके माइंड बिल्कुल टेंशन नहीं होता है कि घर में हमारे है पीछे। और यदि आप अकेले रह रहे हैं तो आपको हर समय चिंता रहती है कि भाई हमारे घर पे अब क्या हो रहा होगा, बच्चे आए होंगे तो कैसे मैनेज हो रहा होगा, या छोटा बच्चा है तो आया के बाद छोड़ा है, तो आया पे तो बिल्कुल भी आज के जमाने में हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि भाई आया हमारे बच्चे को प्रॉपरली खिला रही होगी या कैसे रख रही होगी, ये सब चीजें दिमाग में रहती है जॉब करते समय भी। नहीं तो क्या होता है, घर में बड़े बूढ़े होंगे आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते, जैसे हम लोग भी ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, मेरे भी घर परिवार में दादू सा दादी सा काकी सा थे, मेरे दो मेरी मम्मी, मतलब हम बड़ा 12-13 जनों का बड़ा परिवार था, हम इतने हंसी खुशी से सब मिलजुल के, मतलब सुबह मम्मी ने कर दिया काम, शाम को काकी सा ने कर दिया, हम भी थोड़ा बहुत हाथ बता देते, दादी सा हाथ बटा देते थे, सब्जियां साफ कर दी जैसे, तो भाई भींदनी ने मुश्किल नहीं आए तो वो सब्जियां भेजा कर दिया, तो मतलब ये सब करके रख देते थे, तो इतना मजा रहता था। जब टीवी वगैरह नहीं होते थे तब क्या होता था कि मनोरंजन कहते थे लोग कि अरे अभी तो टीवी है, बहुत सारी चीजें, तो सब मिल बैठते थे, बड़े बूढ़े भी बैठ जाते, बच्चे भी बैठ जाते, सब कोई खेल रहा है, कोई बड़े बूढ़े उनको अरे ये मत कर, अरे वहां मत चढ़, तो बसते ही रहते, बोलते ना आजकल बड़े बूढ़े हमारे यहाँ की बसते रहते, मतलब कि बहुत चहल पहल रहती थी, सबका मन लगा रहता था, कोई छतों पे सोते थे, आजकल तो एसी में बंद कमरों में सो जाते, पहले इतना पॉल्यूशन भी नहीं था, तो हम लोग तो छतें पे पानी झाड़ू लगाया साफ के पानी छाड़ते थे कि ठंडी रहेगी, फिर बिस्तरे के बिछावड़ा लगा तो हैंगर तो बिछावड़े बिछाते थे, बिस्तरे लगाते थे, फिर वो ठंडे ठंडे उन पे सोने का एक आनंद मजा ही कुछ और होता था, सब परिवार और ये इकट्ठा रहता था। हमारी मिर्ची रेडी हो गई है तो बस अब इसको निकाल के रख लेते हैं। तो हमारे आलू बॉयल हो गए तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है, फिर ये जब कुकर ठंडा हो जाएगा आलू को निकाल के पानी में से थोड़ा सुखा के फ्रिज में रख देंगे, कभी भी जरूरत होगी छिलका उतारा आलू की सब्जी बनाई, मसाला बनाए, कुछ भी बना सकते हैं। और जॉब पे जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आलू उबले हुए होते हैं फटाफट से सब्जी बन जाती है, मसाला बन जाता है। तो चलिए फिर अब बनाना शुरू करती हूँ मोगर मेथी की सब्जी। बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला, काम भी निपट गया और बातें भी हो गई। तो यहाँ पे ऑयल डाल देंगे मोगर मेथी की सब्जी बनाने के लिए, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं इसको, और थोड़ा सा 1-2 चम्मच में ऊपर से घी डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए, और छमकूंगी यानी कि छौंक लगाऊंगी ऑयल के अंदर। तो चलिए शुरू कर देती हूँ मोगर मेथी की सब्जी बनाना। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे हम, और इसके अंदर डाल दूंगी ये प्याज मैंने स्लाइस करके रख दिए हैं, थोड़ा सा चुटकी भर इसमें हम हींग डाल देंगे, आप चाहे तो इसमें खड़े मसाले यानी कि काली मिर्ची और तेज पत्ता खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, और जैसे लहसुन की हम कली लेके छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी डाल सकते हैं, मैं जैसे पेस्ट डालूंगी थोड़ा, नहीं तो वो भी काट के भी डाल सकते हैं आप इसके साथ। टमाटर और हरी मिर्च काट के रख दीजिए, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, जो हमारे प्याज है वो जो भून गए तो इसके अंदर मैंने डाल दी टमाटर और हरी मिर्च। कई बार लोग क्या होता है इसमें टमाटर नहीं डालते हैं, कई लोग थोड़ा दही भी डालते हैं, अलग अलग तरीके से बनता है, जैसे मोगर बनता है तो शादियों वगैरह में मोगर मलाई उसमें थोड़ा दही भी डाला जाता है, कई लोग मावा डालते हैं जैसे हैवी सब्जी बनानी है त्यौहार में या शादियों में, तो ये हम नॉर्मली घर के लिए सब्जी बनाना है रोज़मर्रा वाली, और साथ में डाल रही हूँ मेथी, तो मेथी में क्या थोड़ा सा कड़वापन होता है उसको बैलेंस करने के लिए टमाटर डालते हैं, वो अच्छा सा बैलेंस हो जाता है उसमें और थोड़ी खटाई भी आ जाएगी, तो ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ और 1 चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट, फिर इसको हिला लेंगे तो हमारा मसाला या पेस्ट भी भून जाएगी। अब इसमें मसाले मिला लेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक इसमें स्वाद के अनुसार, मसाले वगैरह सब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे मिर्ची वगैरह कितनी खाते हैं कम ज़्यादा उस हिसाब से डालें तो। और अब इसको मिक्स कर लेंगे,
थोड़ा सा ये भून जाएगा, फिर हम इसमें ये हमारा भीगा हुआ मोगन यानी भीगी हुई जो मूंग की दाल है वो डाल देंगे। और बारी आती है मूंग की दाल डालने की। बहुत अच्छे से भीग गई है, हल्के गुनगुने पानी में भिगो दें और सुबह जब चाय पिए तब उस समय गर्म पानी करके डाल दें दाल को और ढक के रख दें उसको, और अच्छे से भीग जाएगी। फिर आपको ज़्यादा भी पकाना नहीं पड़ेगा इसको और अच्छी बन जाएगी हमारी सब्जी बिल्कुल। तो अब इसको मिला लेते हैं मसाले के अंदर। तो हमारी मूंग दाल थोड़ी मसाले में भून ली और अब इसके अंदर बारी आती है मेथी मिलाने की। तो ये एकदम फ्रेश हरी मेथी अभी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत ज़्यादा बड़ी हो उसकी डंडियाँ ना काटें, बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो काट दें छोट। फिर मैं क्या करती हूँ इसको जैसे डंडियों को भी थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ी है तो निकाल दी, नहीं तो छोटी डंडियों को साथ में ही काट देते हैं थोड़ा सा बड़े बड़ा, और उसमें फ्लेवर बहुत होता है जैसे धनिए की डंडी में। और तो उसको काट के धो लिया और काट के इसमें डाल दिया तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये देखिए आप, तो ये मेथी तो क्या है अभी इसके अंदर गल जाएगी साथ में और फ्लेवर आ जाएगा आप देखिए। और बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी हरी मेथी डली हुई मोगर के अंदर यानी मूंग की दाल के अंदर, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी ट्राई करें। इसी तरह से आप पालक डाल के भी बना सकते हैं, तो पालक में और मोगर भी बन सकते हैं। जैसे पालक ये मोगर मेथी बनी है हमारी, तो इस तरह से पालक की सब्जी भी बना सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा मोगर पक जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और इसको ढक देंगे। बातों ही बातों में हमारी मोगर मेथी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये जो दाना होता है मूंग का, ये देखिए अच्छे से हाथ से मैश हो गया यानी हमारी मोगर मेथी पक गई है। और अब इसके अंदर मैंने जैसे बताया फ्लेवर के लिए मैं 2 चम्मच घी ऊपर से डाल दूंगी। तो ये आपके ऊपर ऑप्शन है, ये तो कि आप डाल सकते हैं घी, आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो वैसे भी आप रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है एक फ्लेवर आ जाता है सब्जी के अंदर, स्पेशली जैसे मोगर की सब्जी है, मोगर मेथी है या ऐसी सब्जियां। तो अब बस गैस को ऑफ कर देंगे इसको और हमारी सब्जी तैयार हो गई है बिल्कुल। आप भी बना सकते हैं अपने घर पे। तो लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत क्या होता है कोई गैस आ जाता है तो कई बार ये जो इधर उधर हो जाती है, तो थोड़ा डस्टिंग करके इन सबको भी मैंने जमा दिया है और स्नान वगैरह करके भी आ गई हूँ। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि जैसे हमारे यहाँ पे फैमिली, पहले हम सब मिलजुल के रहते थे, मतलब जॉइंट फैमिली में रहते थे, आजकल तो सभी बाहर जॉब करते हैं जाते हैं और अलग अलग भी रहते हैं, तो छोटी छोटी फैमिली भी छोटी हो गई। पहले तो जैसे 3-3, 4-4 बच्चे होते थे, साथ साथ 8-8 भी होते थे, वो भी जमाना था, तो सब मिलजुल के रहते थे। और जैसे हमारे काकू साए, ताऊ जी, बड़े पापा सब मिलके जैसे रहते थे, तो अब वो बात नहीं है। कोई कहीं रहते हैं, कोई अलग अलग नौकरी के हिसाब से भी जाते हैं, बच्चे भी बाहर जाते हैं। अब तो छोटी छोटी फैमिली, एक एक दो दो बच्चे हैं सबके, और बाहर जॉब के लिए जाना ही पड़ता है, कोई कहीं जा रहे, कोई ऐसे एटलीस्ट अपने शहर में तो रह ही नहीं पाते। पहले क्या होता था कि मम्मी पापा सब यही सोचते थे बच्चों के, कि माँ बाप ये सोचते थे कि हमारे बच्चे हमारे ही जगह पे वहाँ जॉब करें, तो पहले ये संभव ही हो जाता था। आजकल संभव नहीं है, प्राइवेट जॉब होती है तो बाहर तो जाना ही पड़ता है बच्चों को, तो वो परिवार में रह ही नहीं पाते। लेकिन कभी भी उसके लिए समय निकालें, जब आपको छुट्टियां मिले तो पेरेंट्स के पास आए, जैसे दादा दादी है उनको अपने पोता पोती से और सबसे बहुत लगाव होता है, उनके पास आए, पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, त्योहार मनाने, कोई शादियां वगैरह है उनको अटेंड करें, सब परिवार वालों से भी मिलना जुलना हो जाता है और सब एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि सब भी बाहर इधर उधर रहते हैं, शादी के मौके पे, त्योहार के मौके पे इकट्ठे होते हैं। तो उस मौके को आप कभी ना छोड़ें, उन मौकों पे जरूर आए, अपने परिवार वालों से मिलें जुलें, खाएं पिए, एंजॉय करें, तो एक जुड़ाव रहता है परिवार में, अपनापन रहता है। अब बच्चे सोचते नहीं, अब क्या करना है, त्योहार है, हम तो नहीं जाएंगे, तो ये होता है कि आप उससे दूर हो जाते हैं, मतलब उन चीजों से। आपकी संस्कृति में आपको पता नहीं पड़ती है कि हाँ हम कैसे त्योहार मनाते हैं, बड़े बूढ़े बताते, बड़े बूढ़े कभी भी गलत बात नहीं कहते, जब आपके पेरेंट्स आपको समझाते तो उन बातों को आप गंभीरता से लें, उनको ऐसा ना समझे कि अरे ये तो कुछ कह रहे हैं, ये तो हमारा। हाँ मैं ये मानती हूँ कि अब थोड़ा जमाना बदल गया है इतने ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट कभी कभी हमारी संस्कृति है, त्योहार है, तो उनको हम मनाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। और ये है कि आप भी बड़ों की बात को माने और बड़े आपकी बात को थोड़ा सा भाई नए जमाने के हिसाब से एडजस्ट करें, कि भाई थोड़ा बहुत बच्चे इस हिसाब से रह रहे हैं तो परिवार बिल्कुल खुशहाल और अच्छा होगा, बिल्कुल सुख समृद्धि होगी सभी इसके परिवार में और खुशहाली होगी। तो क्या है कि थोड़ा दोनों को एडजस्ट करना अच्छा लगता है, कि हाँ भाई पेरेंट्स भी सोचे बच्चे हैं, जॉब कर रहे हैं,
तो कैसे ड्रेसअप होना है, वो पुरानी परंपराएं तो अब चली गई, हमारे मम्मी वगैरह और सब तो इतना दादोसा से जैसे घूंघट निकालते थे, तो अब वो परंपरा भी नहीं रही है कि है ना घूंघट निकालना है, वो है कुछ भी नहीं है। अब बच्चे भी अपने जॉब के हिसाब से रहते हैं, पेरेंट्स भी उनके हिसाब से ढल जाते हैं, नहीं भाई जो बच्चों को ईजी लगता है वही काम करें। तो इसी तरह से सब सोचेंगे तो बहुत ही खुशी खुशी रहेगी परिवार में, हंसी खुशी रहेगी, बेटियां हैं बहुएं हैं सब मिलजुल के रहे। तो मेरा तो बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है, आजकल जो परिवार अलग हो रहे हैं, कुछ अलग रहना चाहते हैं या कुछ इस पेरेंट के साथ नहीं, पेरेंट्स के साथ रहने में भी आपको बहुत फायदा है, इतना सपोर्ट मिलता हर चीज का, मतलब उससे आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि आजकल आपके बच्चे हो रहे हैं उनको भी रखने के लिए पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी से वो रखते हैं ना, वो एक आया नहीं कर सकती, वो मन में डर रहता हमेशा, ये चीज जैसे मैंने बोली वीडियो में, तो पेरेंट्स हैं उनको भी खुशी होती है पोता पोती को, वो कोई एक बोझ नहीं समझते कि उनको बच्चा कहते हैं ना मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो अपने बच्चों से भी ज्यादा पोता पोती से लगाव होगा, ये होगा। तो ये सब बातें यदि आप सोच के मन में बिठा के चलेंगे ना, कभी भी परिवार अलग नहीं होगा, कभी भी परिवार में कुछ भी ऐसी बातें नहीं होगी, हमेशा खुशहाली रहेगी और सभी हंसी खुशी से रहेंगे। मेरा तो बस यही कहना है कि सब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके रहें, सब अपनी एक दूसरे की बातों को सुने समझें। तो जैसा कि मैंने बताया परिवार की बात, तो परिवार में होती है पीढ़ियां, तो पीढ़ियों के फर्क को हमको मिटाना होगा, क्योंकि पीढ़ियां तो अपने हिसाब से चलती, जैसे हमारे घर में भी तीन पीढ़ी है, दादी सा है 88 ईयर्स ओल्ड है, वो मैं हूँ, तो मैं भी हूँ बीच में, तो मैं हूँ 58 ईयर्स ओल्ड, और दूसरे हैं हमारे राधिका, तो हम तीनों के आपस में मतलब एक तालमेल बिठा के चलते हैं। तो तालमेल का मतलब है कि जैसे दादी सा है 38 साल हो गए मुझे उनके साथ रहते हुए, तो दादी सा को हमने इतना प्यार और सम्मान और इतना सब कुछ दे, दादी सा हमारे बिना नहीं रह पाते, हमको भी लगता है कि भाई दादी सा का ढूंढ, दादी सा हमको थोड़ी देर में मैं इधर उधर हो जाऊंगी, तो क्योंकि इतने सालों से मैं अकेले उनके साथ में रही हूँ, उनकी एक एक चीज का हमने ध्यान रखा है, तो उनको हमारी इतनी आदत हो गई है कि वो हमको थोड़ी देर भी इधर उधर होते हैं ढूंढते, कहीं जाते हैं तो अच्छा आप कितनी देर में आ जाओगे, जल्दी आ जाओगे, मतलब इतना आपस में हमारा तालमेल है। और साथ में अब राधिका आई है तो वो भी हमारे घर में एडजस्ट हो रही, हमारी सभी चीजें सीख रही हमारे साथ रह के, और वो भी उसी हिसाब से रहती है। तो जिस तरह से मेरे घर में हम तीनों पीढ़ियां आपस में तालमेल बिठा के चल रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, जैसे बहू है तो हम भी ध्यान रखते हैं, वो जॉब पे जा रही है तो उसका भी ध्यान रखते हैं, वो भी हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखती है, तो इसी तरह से परिवार में तालमेल रहता है। तो ये तो मेरे विचार हैं, इस तरह से हम रहते हैं, सबके अपने अपने अलग होते हैं, और सभी आप सभी लोग भी इसी तरह से यदि सब पीढ़ियों में तालमेल बिठा के चलेंगे तो आपके घर में भी खुशहाली रहेगी, कभी कोई प्रॉब्लम होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम सब अपनी एक ही घर के सदस्य हैं और आपस में प्रेम भाव से रहेंगे तो कभी कोई बात होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, और आप इसी तरह से खुशहाली जीवन जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे विचार थे जो मैंने व्यक्त किए, आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमागणी।